हाँ, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 का टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। बेगूसराय जिले में कुल 8 स्थलों से टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सभी स्थल के लिए जिन डॉक्टर्स और उनके स्टाफ का टीकाकरण कल किया जाना है, उसकी लिस्ट तैयार कर ली गई, जनरेट करके सभी प्रभारियों को दे दिया गया है और उनको सूचित किया जा रहा है। कल 9 बजे से प्रारंभ होगा, 9 बजे से 5 बजे तक टीकाकरण कार्य डेली चलेगा। प्रतिदिन 7 जगह हम लोग यहाँ सरकारी संस्थान में हैं और 1 जगह प्राइवेट लोकल हॉस्पिटल में हैं। पहले किन लोगों को ये वैक्सीन? अभी जो हम लोग पहला चरण का पहला पार्ट है, उसमें सरकारी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ, साथ ही साथ निजी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को इसमें रखा गया था। और रजिस्ट्रेशन का कार्य बहुत दिन से चल रहा था और 12 तारीख तक उसका समय सीमा थी। तो हम लोग यहाँ कुल लगभग 14,500 के आसपास ऐसे व्यक्ति रजिस्टर कराए थे। तो उनका हम लोग डेली लिस्ट निकाल के उनको टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी बेगूसराय के निवासियों से विशेष रूप से, जो टीकाकरण के चिन्हित व्यक्ति हैं, उनसे अपील करता हूँ कि किसी भी तरह के अफवाह में ना आए। वैक्सीन सुरक्षित है, टेस्टेड एंड ट्राइड है और कुछ आफ्टर इफेक्ट्स टीकाकरण के बाद होने की संभावना रहती है, हल्का फुल्का बुखार, सर दर्द या हल्का फुल्का चक्कर। तो उसके लिए आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में टीकाकरण के पश्चात उनको रुकना होगा, तो वो उसमें रुकेंगे। और अन्य व्यक्तियों से भी अनुरोध है, किसी व्यक्ति को कोई इस तरह का हल्का फुल्का सिम्टम आता है, इससे किसी तरीके का अफवाह न उड़ाएँ, बहुत सामान्य सी बात है और जिसके लिए हमारा हेल्थ विभाग पूरी तरीके से तैयार है। जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं उसके लिए प्रशासन किस ढंग से सख्ती है? नहीं, कोई र्यूमर फैलाएगा गलत तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर कहीं कुछ मिलता है तो उसको आगे फॉरवर्ड करने के बजाय सबसे पहले हमको सूचित कर दें। DIO साहब नोडल है, उनको सूचित कर दें। कोई चीज़ तथ्य वेरीफाई करने के पश्चात ही उसकी सत्यता जब आप लोग जाँच लेंगे प्रशासन की तरफ से, उसके बाद ही आप लोग किसी भी तरीके का इस तरह अफवाह को, चाहे खंडन रहेगा उसको खंडन करिएगा, और कोई जो सत्य तथ्य रहेंगे उसके बारे में आप लोग अगले न्यूज़ में उसको चलाइएगा बिना पुष्टि के किसी भी इस तरह की बात को। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ना फैलाइएगा, नहीं तो अफवाह फैलाने का समतुल्य हो जाएगा। वो किसी जानकारी के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी या कुछ ढंग से कंट्रोल रूम भी? DIO साहब का नंबर है ही और हम लोगों का कोविड कंट्रोल रूम पहले से ही चल रहा है और हमारा नंबर भी है ही। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या कोई सूचना देनी हो तो लोग खुशी खुशी उस पर कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर बिजी रहता है तो मैसेज भी कर सकते हैं।